प्रधान जी हकीकत में कराने के ये कर लो शमशान घाट पे गाँव में लेके जाओ। गाँव में कहाँ लेके जाओगे? अरे हमें जी यहाँ 11 बजे आए, 12 बजे हमारी बच्ची हो गई, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारा इलाज जब करेंगे, जब पैसे जमा करूँगा। हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैं अपने लड़के से 200 रुपये लेकर चली गई, मैंने जमा करवा दिए। मैंने कहा जी हमारी बहू को पेन ज़्यादा हो रहा है, उसको देख लो पैरी के और 1200 रुपये और जमा करवा दो। रात की हमारी बहू झुकी तो पड़ी, अब तक इन्हें देखी नहीं। बच्चे की स्थिति क्या है? ये बच्चा हमारा ये हुआ था, क्या क्या लड़की है, क्या हुआ इसे? सही स्वास्थ्य है बच्चे? नहीं नहीं, ये मरी हुई है जी, ये मरी हुई है, वो ती गुजर गई थी, बच्चा मरा हुआ है। रात का 11 बजे की भी आए, मेरे ये मतलब पैसे घर में नहीं थे, इस वजह सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए। सरकारी हॉस्पिटल में जब वहाँ भर्ती करी, उन्होंने कहा पहले पैसे दो जब इनकी सेवा पानी होगी, जब डिलीवरी, हाँ जब डिलीवरी होगी। क्या हुआ? अब क्या हुआ, जब बच्चा एक्सपायर हो गया, मैंने उनसे पूछा होगा मैडम जी ये क्या हुआ इस तरीके से, मतलब अपना जब इन पर वो 200 रुपये लिए थे बनते और 200 रुपये वापस फिर हुआ उनके ऊपर डाल कर गई, बोलती है मैंने, हाँ एक बेबी है वहाँ मैडम, बेबी मैडम आए, उसने कहा मैं डीएम से भी नहीं डरती, हमारा इतना हॉस्पिटल हुआ, अगर उन्होंने जाए हमारी पत्ती गुजर गई और हमारा इतना हॉस्पिटल हुआ अगत्ते ज़्यादा, हम रात के सुबह के 6 बजे गए। क्या कह रहे हैं हम लोग? अब क्या आश्वासन दे रहे हैं? अब आश्वासन दिया मैं कार्रवाई करूँगी, लेकिन कार्रवाई जो हमारा हॉस्पिटल, मैंने उनसे कहा मैं जी पदाधिकारी हूँ भाजपा का, कम से कम यहाँ लोगों की क्या समस्या हो, जब आप हमारे साथ ही व्यवहार कर रहे हैं, तो उनका जाइए डीएम के पास जाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा नाम प्रेमचंद कोरी है। क्या चाहते हैं? मैं जो है इंसाफ चाहता हूँ। तो क्या पुलिस में तहरीर वगैरह? हाँ हम तहरीर देंगे। आपका समझा दिया, तो आप बताओ ना क्या है मामला पूरा? मेरा कोई भी मामला नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे जान पूछ के पंकज फंसा रहा, कुछ भी। तो आपके ऊपर आरोप, पंकज कौन है? ये पंकज बाबू राम का भांजा है, ये मुझे जान पूछ के फंसा रहा, मेरा कोई भी मामला नहीं, ना कोई लेना देना, ना मैंने इनका केस किया, ना मैंने इनके केस के बारे में मुझे कोई पता, ये मुझे जान पूछ के बाबू राम का भांजा फंसा रहा बिना मतलब के, जान पूछ के, मेरी कोई रोल नहीं है। जो ये बाबू राम कौन है? बाबू राम आपका वहीं से SPD का अध्यक्ष, आप उनसे बात करो, मेरा कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का, किसी भी, अपने बच्चों की कसम खा के कह रही मेरा कोई रोल हो तो मुझे जो सजा मिलेगी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो परिजन आरोप लगा रहे हैं? परिजन वो बाबू राम के कहने से लगा रहे हैं उस पंकज के, ताकि वो उन्हें बदला लेने कुछ टाइम मिल जाए, मैं उनसे कभी बात नहीं करती, उनकी बात नहीं सुनती, उनकी मंत्री पने में शामिल नहीं होती, बस ये है और कुछ भी।